Bruh. Hello my friends and family, it's me Silad. तो आज हम फिर से एक बार आ चुके हैं हमारे वर्ल्ड में माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज बैक टू गेम। जैसे कि लास्ट टाइम हमने यहाँ पर कुछ भवंडर लाया था, हाँ विलेज तो आप लोग देख ही चुके हो मेरा। इस बार मैं विलेज नहीं दिखाऊंगा क्योंकि विलेज देख चुके हूँ। मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत और चेंजेस किए, यहाँ पे कुछ और हुआ करता था, पहले स्टेशन था मेरा, अभी मैंने फ्लैट कर दिया है। या और भी थोड़ा कुछ काम कर रहा हूँ मैं यहाँ पे और भी खेती बाड़ी करूँगा मैं। जैसे यहाँ पे मेरे अभी 5 विलेजर्स है जो खेती बाड़ी करते हैं, यहाँ पे और 8 बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, इसको मैं सही करूँगा, ये डेजर्ट हटा के यहाँ पे मैं डस्ट ऐड करूँगा तो ये प्रॉपर दिखेगा। कलर मुझे सही नहीं लग रहा है। अरे यहाँ पे कुछ विलेजर्स हुआ करते थे आपको पता है, जो प्रोफेसर टाइप के हुआ करते थे, जो हमें बुक्स वगैरह देते थे, मैंने उन्हें यहाँ से भगा दिया है, सबको यहाँ से भगा दिया है। अब नीचे सिर्फ यहाँ पर मैंने जो ये थूकम थूक करने वाले जानवर है, ये जो ऊँट है उसको यहाँ बांधा हुआ, और मेरा एक घोड़ा है, और ये मेरे कुत्तों की फौज पता है ना भवंडर, याद है ना, ये मेरे कुत्तों की फौज है। कुछ मैंने यहाँ बिठा दिया इनको, ये बहुत भाग दौड़ कर रहे थे, तो मैंने अभी फिलहाल एक ही को साथ में रखा है। तू यहाँ क्या कर रहा है, तुम लोग को तो अंदर होना चाहिए था, तुम सब बाहर कहाँ से आ गए। ठीक है कोई बात नहीं, मैं यहाँ से अभी अंदर का थोड़ा हुलिया दिखाता हूँ जो चेंजेस किया है। ये मेरे अंदर का पोर्शन लास्ट टाइम देखा ही होगा आप। यहाँ पर पहले कुछ बेड्स हुआ करते थे, यहाँ से कम कर दिए मैंने। अब मैंने यहाँ से एक रास्ता निकाला, नीचे भी ये रहा नीचे का वहाँ, और ये जो बाहर पुदक रहे थे इन सबको मैंने यहाँ काम पे रख लिया है। सो गए, मैं तुम लोग को इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, तुम लोग सो रहे हो, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो हम चोर। कोई बात नहीं, यहाँ पे मेरे पास 10 से 12 है, तो यही काम करते हैं। जो बाहर हुआ करते थे उसे मैंने अंदर डाल दिया है। इसके पीछे भी और जगह मेरे पास बहुत है, फ्यूचर में कभी इसको देखेंगे। ये फर्स्ट, ये मेरा गांव है जहाँ मेरे गांव वाले रहते हैं, जो लास्ट टाइम आप लोग देख ही चुके हो। लेकिन ऐसा विलेज किसी के पास है नहीं, किसी को भी बुला लो। मैं तुम अपना घर दिखाने वाला था शायद, और इस बार मैं कोई भवंडर नहीं डालने वाला, चुपचाप मेरा घर देख लो। रात को कुछ ऐसे दिखता है, ऐसा लगा मेरा घर। थोड़ा और ऊंचाई से दिखा दो, अब देखो कैसा लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताना ऐसा घर किसी के पास है। ये मेरा बंगला है, पीछे का रेकोरेट देखो, ये मैंने सर्वाइवल सीरीज में बनाया है, कोई क्रिएटिव मोड में बना के नहीं बैठा हूँ, बहुत मेहनत लगी है, पूरा पहाड़ खोदना पड़ा है मुझे कलर ब्लॉक्स के लिए। मॉर्निंग में मैं तुम्हें अंदर से बताऊँगा कैसा दिखता है। रात को ही देखना चाहते हो, चलो रात को ही देख लो अंदर क्या क्या है।
ये मेरे पास दो ड्रैगन फिश है जो मैंने यहाँ पाल रखी है, इनकी मस्ती चलती है यहाँ पर, इनकी यहाँ फुल मस्ती चलती है। एक पिंक है, श्रिंक आ गई, दो थी मेरे पास, कोई बात नहीं। चलो नीचे का एरिया देख लो, ये नीचे का एरिया है और ग्लासेस है। मैंने यहाँ पे ज़्यादा कुछ रखा नहीं है, ये पूरा खाली है। फ्यूचर में कभी यहाँ कुछ ऐड करेंगे। यह एक सीढ़ी है, ये मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा। यहाँ भी देख लो, ये भी खाली है। फ्यूचर में यहाँ पे कुछ ऐड होगा। यहाँ से एक ब्लॉक कैसे गायब होगा, कोई बात नहीं, इसको बाद में ऐड करेंगे। ऊपर जाने के लिए मैं बाहर से ही जाना है, क्योंकि हमारे पास सीढ़ी बाहर है। ये यहाँ भी खाली है फिलहाल, इस तरफ खाली है, इस तरफ मेरा बुक शेल्फ है, मैंने यहाँ बनाया हुआ है। और मेरा बेडरूम सेकंड फ्लोर पे है, तो मेरा बेडरूम भी देख लो सेकंड फ्लोर पे। ये यहाँ पे कुछ, ये मेरा बेड कैसा लगा, डबल बेड का सोफा है मेरे पास, फुल कुशनेबल। देखो देखो कितना नरम है, देखो कितना नरम गद्दा है मेरा। यहाँ मैं कुछ भी बना सकता हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ ग्रास डाले हुए, डेकोरेट किया हुआ हल्का फुल्का। यहाँ पे थोड़ा डिज़ाइन है, मेरे ऊपर भी पानी है, यहाँ मुझे गर्म नहीं होता, मुझे एसी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पूरा खुला रखा है मैंने, ऊपर से नीचे तक पूरा ठंडा ठंडा पानी पानी, आजू बाजू पूरा वाटरफॉल मैंने सेट किया हुआ। मुझे सोना होता है, मैं यहीं सो जाता हूँ, रोड के ऊपर है, कहाँ सोना है मुझे। यहाँ मैंने कुछ हथियार रखे हुए, मुझे कुछ खाना है कभी भूख लगी तो। यहाँ पर मेरे पास सैडल है, कुछ चीज़ है एक्स्ट्रा बकेट सैंड वगैरह भी रख देता हूँ, उनका खीर भी है हमला करने के लिए, और पोटैटो भी है। ये पोटैटो किस चीज़ का, पोइजन पोटैटो मैंने कभी खाया नहीं है, क्या होता है इससे पता है आप लोगों को, मैंने कभी खाया नहीं खाएगा, पेट भरा हुआ शायद अभी खाएगा नहीं, पेट खाली करके एक बार चेक कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो सो जाते हैं, मॉर्निंग में एक बार और देख लेंगे। गुड नाइट गर्ल, आई सी यू टुमॉरो। पेट के वीडियो देख देख के मुझे भी सर्दी हो गई है। मैं मास्क पहन लूँ क्या, यानी कितना छींकता है वीडियो में। ये शॉर्टकट है मेरा, कभी उतरना हो तो सीधा। मेरी एक ड्रैगन फिश गई कहाँ, ऊपर तो नहीं चली गई, मैं यहाँ से डायरेक्ट छत पे भी जा सकता हूँ, ये मेरा शॉर्टकट। मेरा शॉर्टकट है, ये मेरा घर आ गया, मुझे डायरेक्ट छत पे जाना, मैं छत पे भी जा सकता हूँ। ये मैंने कुछ कॉपर का यहाँ सेटअप किया हुआ बिजली चमकने के लिए, ड्रैगन फिश कहाँ गई, दो थी मेरे पास। नीला बाबू कहाँ चला गया, कोई बात नहीं, यहीं से जंप लगा देंगे। बाहर से देखेंगे हम मॉर्निंग में, कुछ है तो नहीं मुझे काटने के लिए, साइड पोजीशन। मैं इसमें शायद थोड़ा और इसे बनाऊंगा, अभी भी कम नहीं है, देखिए और बनाऊंगा मैं इसे। अच्छा लग रहा है भाई, क्यों घूम रही है खुली,
फ्लैट खरीद लिया। ये पीछे मैंने स्विमिंग पूल रखा हुआ है क्योंकि वहाँ तो ड्रैगन फिश घूम रही है ना, तो यहाँ आके नहा लेता हूँ मैं कभी कभी सुबह। ये नहा लिया, चलो बाहर निकलो। ये पूरा पहाड़ मैंने खोदा हुआ है इतना बड़ा विलेज बनाने के लिए। ये देखो ये तोड़ फोड़ दिख रही है, ये अक्खा हुआ करता था कभी। यहाँ से सारे कलर ब्लॉक मैंने निकल के इन गरीबों के लिए मैंने काम किया है। इन साले मेरे कभी हुए नहीं ये लोग। कोई बात नहीं, तो ये मेरा घर है, बार बार बताने की ज़रूरत तो है नहीं। कैसा लगा आप ये बस कमेंट में बता देना कि मेरा घर कैसा लगा, ठीक है। मुझे नहीं बोध आ रही है, नहाया तो हूँ मैं तो, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए काल। मैं हूं न्योन मैन और आज हम बात करने वाले मिथ फैट के बारे में। तो रिसेंटली एक खबर में पता चला है कि मिथ फैट को हो चुका है कोरोना।